नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन में। देखिए, जब आप अपने घरों में दिवाली मना रहे होंगे, खुशियों का दिया जला रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, पटाखे छोड़ रहे होंगे, उस समय हमारा टारगेट परिवार आपकी दिवाली को और मजबूत बनाने के लिए, आपकी दिवाली को और स्वर्णिम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है, ताकि आप घर में बैठ के अपनी पढ़ाई को अब्सेंस या अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक ना कर सके। तो करेंगे क्या, आप घर में बैठकर इसको केवल और केवल हमारे साथ सॉल्व करेंगे, समझेंगे, इसको सीखेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर को पुटअप करेंगे। ये कार्य आपको करना है, इसलिए इस दिवाली पर हम आपको ये जरूर उपहार देंगे, ताकि आप इस शिक्षा के महत्व को और अपने सक्सेस को समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कलेक्ट किए हैं। ये क्लास मैंने आपको पढ़ा दिया है, उस पढ़ाए हुए क्लास का एक महत्वपूर्ण कलेक्शन एमसीक्यू के माध्यम से आपको हम दे रहे हैं। इस पर क्या करिएगा, इस पर एक बार जरूर गहन अध्ययन करिएगा, ताकि आपको आपके एग्जाम में ये फायदा दे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, स्वीकार नहीं लिखा है, स्वीकार नहीं लिखा है, ना इस क्वेश्चन ने यह कहा है कि संविधान सभा का गठन किसने किया। तो यह कह रहा है प्रस्ताव किया गया था, तो साइमन कमीशन में इसकी बात की नहीं गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका जिक्र नहीं हुआ था, कैबिनेट डेलीकेसी ने तो इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी। पहली बार प्रस्ताव किया गया था मतलब किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, तो आप कहेंगे वह था क्रिप्स मिशन। क्या था, क्रिप्स मिशन। अब आ जाइए, क्रिप्स मिशन क्या था, मैंने आपको बताया था क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आया। इस क्रिप्स मिशन को लाने का श्रेय है स्टेफर्ड क्रिप्स को, उन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम पड़ा, स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम पर इस मिशन का नाम पड़ा क्रिप्स मिशन। और ये क्रिप्स मिशन कितने सदस्य था, ये सवाल नहीं बनता, सवाल बनता है कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था, क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स अपने साथ ये मिशन लेकर आए थे। क्यों आए थे, ताकि भारत में सारे राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझा जाए, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठित किया जाए, जो निर्वाचित होगा, किस प्रकार निर्वाचन होगा, कैसे सदस्य इसमें आएंगे, इस पर चर्चा किया जाए। तो चलिए भैया, हुआ क्या है, क्रिप्स मिशन भारत आया है दो कार्य के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए। भारत में सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग लेने के लिए। तो ये क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स की वजह से 23 मार्च 1942 को भारत आता है। ये क्रिप्स मिशन का विरोध हुआ, भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इसका खुलकर क्या किया, विरोध किया। क्यों किया, कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि क्रिप्स मिशन में एक बात कही गई थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए, सॉरी, संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा गठित होगी, उस संविधान सभा में देसी रियासत के पास स्वायत्तता होगी कि वह इस संविधान सभा में शामिल हो, अन्यथा ना हो। तो कांग्रेस कहती है इससे तो हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे, फिर से हमारा भारत वैसे ही बिखरा बिखरा भारत रहेगा, कांग्रेस इसलिए इसका विरोध कर देती है। मुस्लिम लीग कहती है कि इन्होंने हमारी अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। यानी भारत के सभी राजनीतिक दलों ने खुलकर इसका विरोध किया है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के कथन सुन लीजिए,
इस पर कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के कथन सुन लीजिए। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के विरोध में एक टिप्पणी की, क्रिप्स मिशन के विरोध में एक टिप्पणी की। क्या कहा? यह बाद की तिथि का चेक है, यह बाद की तिथि का चेक है। इसका मतलब क्या है? ए पोस्ट डेटेड चेक है। ए पोस्ट डेटेड चेक है, बाद की तिथि का चेक है। क्या है? ए पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात इस चेक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तिथि बाद में डाली गई, बैंक पहले निकाल लिया जाए, कोई मतलब नहीं है। नेहरू जी ने इनकी बात का समर्थन किया, जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बात का समर्थन किया और कहा एक डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। क्या है ये? एक डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। ए पोस्ट डेटेड चेक अपाना क्रसिंग बैंक, पढ़ा चुके हैं। ए पोस्ट डेटेड चेक अपाना क्रसिंग बैंक। तो आप समझ गए क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन का विरोध क्यों हुआ, इसकी बात थी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यहां संविधान सभा का जिक्र नहीं आया, यहां संविधान सभा के मांग की बात आई ही नहीं। क्रिप्स मिशन योजना 1942, इसका विरोध हो गया था, इसके तहत तो लागू ही नहीं हो सकता, बचा क्या? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, बिल्कुल सही है, भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्वीकृत हुआ था। इस समय ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 14 मार्च 1946 को घोषणा किया था। यह प्रक्रिया बाद की है। क्या किया था इन्होंने? 14 मार्च 1946 को घोषणा किया था। किस बात की घोषणा की थी? आपको पता है इस बात की घोषणा की थी कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। फिर क्या किया था? 24 मार्च 1946 को इन्होंने एक मिशन भारत भेजा, क्योंकि इसमें सारे मेंबर कैबिनेट के थे, इसमें सारे मेंबर कैबिनेट के थे, इसलिए इस मिशन का नाम ही पड़ गया कैबिनेट मिशन। ऐसे कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 को दिया। ऐसे कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 को दिया। यह कितने सदस्य था? तो याद रखना यह 3 सदस्य था। कितने सदस्य था? यह 3 सदस्य था। पहले पैथिक लॉरेंस हुए, एवी अलेक्जेंडर दूसरे हुए, एवी अलेक्जेंडर दूसरे हुए और तीसरे सदस्य कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के मेंबर। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में से कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है, तो कौन थे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। थे कौन? उस समय वो भारत के वायसराय थे, सॉरी भारत सचिव थे, उस समय वो भारत सचिव थे और ऐसे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। क्रिप्स जो थे, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये तीनों कैबिनेट मेंबर थे। इन्हीं तीनों सदस्यों को कैबिनेट मिशन योजना लेकर आना था और ये लेकर आए। कैबिनेट मिशन योजना ने बताया कि जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष माध्यम से संविधान सभा का गठन होगा। ऐसी संविधान सभा में
ये प्रक्रिया होगी, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ठीक, और 392 सदस्यों का निर्वाचन होगा। इस प्रकार की बड़ी चीजें संविधान सभा में बताई गई थी। उसका महत्वपूर्ण आधार कौन था? कैबिनेट मिशन था। कौन था? कैबिनेट मिशन था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैंने पहले ही बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे। आपको मैंने बताया था पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव है, और क्या है, इस मिशन के अध्यक्ष भी तो हैं। क्रिप्स क्या है? स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड मंत्री है, अध्यक्ष है। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, अर्थात यहां पे सारे लोग कैबिनेट के मेंबर हैं, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। लेकिन कौन नहीं शामिल है? विलियम वुड। ये बजट से संबंधित हो सकते हैं किंतु ये कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए भैया, अंतरिम सरकार देखा जाए। अंतरिम सरकार क्या था? जब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कांग्रेस लीड कर जाती है, कांग्रेस जीत जाती है, तो ऐसी कांग्रेस सरकार बनाएगी, और उस समय बेबिल है वायसराय। बेबिल क्या करते हैं? बेबिल बुलाते हैं किसको? वो बुलाते हैं कांग्रेस को, आमंत्रित करते हैं कि महोदय कांग्रेस, आप क्या किए हैं? आप लीड किए हैं, इसलिए अंतरिम सरकार आप ही बनाएंगे। अंतरिम सरकार वह प्रक्रिया होती है जो पूर्ण सरकार बनने के पहले की प्रक्रिया होती है। तो चलो भैया, बेबिल ने जब बुलाया, तो जब बेबिल बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं, तो कांग्रेस आएगी, सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने सरकार बनाया, कांग्रेस ने सरकार बनाया। दोनों अंतरिम सरकार में, दो अंतरिम सरकार थी, दोनों अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी पालिका परिषद के उपसभापति थे। विदेश नीति राष्ट्रमंडल इनका विषय रहा है, ये हमेशा ये सारा दोनों में इन्होंने यही देखा, ठीक। श्री राजगोपालाचारी प्रथम अंतरिम सरकार में, सी राजगोपालाचारी प्रथम अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? प्रथम अंतरिम सरकार में ये शिक्षा मंत्री थे। चलिए भैया, प्रथम अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री हैं, तो दूसरे में किसे रखेंगे? इसको लिखिएगा, दूसरी अंतरिम सरकार जब बनी थी स्वतंत्रता के समय वाली, मौलाना अबुल कलाम आजाद नाम लिख दे रहे हैं, अबुल कलाम आजाद, ये कौन थे? ये दूसरी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। किसमें थे? दूसरी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। इनका संबंध इससे है ही नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की खासियत समझ लीजिए, दोनों मंत्रिमंडल में यानी दोनों अंतरिम सरकार में ये कृषि खाद मंत्री रहे, इनका पद नहीं बदला है, यही रहे। चलिए दो तीन पद में ऐसे ओरली याद कराऊं, मेरे साथ याद करिए, इस दिवाली पर जम कर पढ़िए, याद की दिवाली आने वाली, न जाने कितनी दिवालियों को रोशन करने वाली। चलिए भाई बात की जाए, पटेल जी रियासत मंत्रालय दोनों में उनका रहा, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री दोनों में रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद प्रसाद मंत्री दोनों में रहे, जवाहरलाल नेहरू उपाध्याय उपसभापति विदेश नीति राष्ट्रमंडल दोनों में रहे, लियाकत अली पहले में वित्त मंत्री हैं, लियाकत अली पहले में वित्त मंत्री हैं, आर के षडमुगम चेट्टी ये दूसरी सरकार में वित्त मंत्री। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना,
विधि मंत्री, आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं, तो वो पहली अंतरिम सरकार का तो विरोध किए थे, ठीक, और किसके साथ थे? पहली अंतरिम सरकार का जब वो विरोध किए थे तो वो किसके साथ थे? मुस्लिम लीग के साथ थे। उन्होंने कहा एक ऐसे देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र के लोग मिलकर चला रहे हैं, तब वो विधि मंत्री हुए ही नहीं थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। इन्होंने दूसरे अंतरिम सरकार में विधिमंडल का पद संभाला है, तो कुछ चीजें जरूर याद रखिएगा जो आपसे पूछे जाएंगे, पक्का है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको जरूर तैयार रखिएगा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए भाई अब इसकी बात कर ली जाए। संविधान सभा जब गठित हो गई तो संविधान सभा अपनी बैठक करती है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, इसी समय दो उपाध्यक्ष चुने गए हैं, मैंने पढ़ाया है, मैं रिवीजन करा दूं। इसी समय दो उपाध्यक्ष चुने गए, पहले एच सी मुखर्जी, दूसरे बी टी कृष्णा माचारी, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए, वरिष्ठता के आधार पर चुने गए, फ्रांस के संविधान से यह वरिष्ठता का क्रम लिया गया। इन्होंने अपने लिए एक उपसभापति यानी उपाध्यक्ष मनोनीत किया था, कौन थे वो? फ्रैंक एंथोनी, मैंने पढ़ा दिया है, फ्रैंक एंथोनी, अब समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी संविधान सभा का गठन किया जाए, 11 दिसंबर 1946 दूसरी संविधान सभा है जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें संवैधानिक सलाहकार के रूप में चयन हुआ है वी एन राव का, संवैधानिक सलाहकार के रूप में चयन हुआ है वी एन राव का। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, कौन स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए भाई, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बनते जरूर है, मैं बार बार याद दिला दूं, बिना क्वेश्चन बने काम चलेगा नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो संवैधानिक सलाहकार तो नहीं थे, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ऐसी प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान में स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सॉरी अध्यक्ष हैं। और ये नियम समिति, संचालन समिति, नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, इन सब के क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, बी एन राव अभी मैंने पढ़ाया था संवैधानिक सलाहकार थे, क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। के एम मुंशी प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे, के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य रहे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा अर्थात संविधान निर्माण करने वाली सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो एक ही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष पूछ रहा, अस्थाई नहीं पूछ रहा है, जब जब अस्थाई शब्द नहीं होगा, केवल अध्यक्ष पूछा जाएगा और कभी कभी पूछ लिया जाएगा, भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
ठीक, संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और दोनों ऑप्शन होगा तो सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्यों? क्योंकि अस्थाई शब्द नहीं दिया है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, चलिए भाई अब आ जाइए, संविधान सभा जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, संविधान सभा जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, 389 सदस्यों का चुनाव होना था, जुलाई 1946 में 389 सदस्यों का चुनाव होना था, 292 ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों के सदस्य थे, 292 ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों के सदस्य थे, 93 देशी रियासत थी जिनके पास अधिकारिता थी कि वह संविधान सभा में शामिल हो, भारत संघ का हिस्सा बने या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, ठीक। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, तो 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था मैंने बताया था, इसमें दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर मारवाड़ प्रांत है, अजमेर मारवाड़ प्रांत है, 4 हुआ। तो भैया 93 तो आए नहीं, चुनाव कितने का हुआ? 296 का। कैसे होना है? कहा गया प्रत्येक 10 लाख पर एक जनप्रतिनिधि का चयन होगा, और ऐसा निर्वाचन, पहला ये, ऐसा निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। पूछा गया अप्रत्यक्ष कैसे? कहा गया हम आप आम जनमानस प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं, और प्रांतीय सभा के सदस्य जो विभिन्न प्रांत के हैं वो हमारे आपके लिए किसे चुनेंगे? संविधान सभा के सदस्य को चुनेंगे। इसलिए संविधान सभा का चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ, इनडायरेक्ट, जिसे आप हिंदी में परोक्ष कहते हैं, ऐसा हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तो था भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का कैसे चुनाव होगा। ये चलिए भाई क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने इसको पढ़ाया है, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, क्या बताया है कि ये कैसे पता चलेगा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ और भारत गणतंत्र बना, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। फिर बताया भी अध्यक्ष कौन थे, किससे संवैधानिक सलाहकार चुना गया, मुझे नहीं लगता कुछ अलग से बताने की नीड है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब लाया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब लाया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब लाया गया? 22 जनवरी 1946, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। चलिए अब बात करते हैं हुआ क्या। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें तो किसको क्या क्या बनाया गया, कौन मनोनीत उपसभापति थे, कौन उपसभापति या उपाध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे, हम इसकी बात करते हैं। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946, यहां भी नियुक्ति के सारे कार्य पूरे हो गए, यहां भी नियुक्ति सारे कार्य पूरे हो गए। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पांचवी बैठक कहलाती, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पांचवी बैठक में लाया गया। ये क्या था? ये पांचवी बैठक थी, इस समय एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव। किसने प्रस्तुत किया?
जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए, 13 दिसंबर 1946 देश प्रस्ताव लाए। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया और कहा गया अब क्या किया जाए, अब भैया प्रस्तावना बनाइए, उद्देशिका बनाइए, सारे देश के संविधान की तुलना करिए, जहां से जो चीजें आपको अच्छी लगे वो इसमें समाहित करिए और उसको क्या करिए, भारत का संविधान निर्मित कर दीजिए। यह प्रक्रिया चलती रही। पूरी कब हुई? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और संविधान सभा के इन्हीं सदस्यों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, विश्वास करिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई सवाल पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, बैठक, अधिवेशन, चर्चा, बहस, सारी चीजें। चलिए इस पर जिक्र करूं, मैंने कहा ना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल भारतीय संविधान को बनाने है तो भारतीय संविधान सभा ने क्या किया, 165 दिन बैठक किया। क्या किया है? 165 दिन बैठक किया। क्लियर है? चलिए भाई, 12 शब्द याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। 114 दिन बहस किया, 165 दिन बैठक किया, 114 दिन बहस किया, फिर क्या किया, कुल 12 अधिवेशन किए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यूं ही नहीं महत्वपूर्ण कार्य हुआ होगा। कुल 12 अधिवेशन किए, जिसमें 11वां अधिवेशन जानते हैं कौन सा था, कितना बड़ा चला होगा सोचिए, 11वां था 26 नवंबर 1949 जब संविधान पूर्ण हुआ था। 12वां अधिवेशन है संविधान सभा की अंतिम बैठक, 12वां अधिवेशन है संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन। ठीक है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप यहीं से याद कर लेना कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, सर्वसम्मति से यह घोषणा हुई थी। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान लिया गया, भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। ये 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक है और इसी को 12वां अधिवेशन कहा जाता है, इसी को 12वां अधिवेशन कहा जाता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक है, संविधान सभा की 12वां अधिवेशन है, याद रहेगा संविधान सभा का 12वां अधिवेशन है। तो भैया 24 जनवरी 1950 को ये सारे कार्य हुए हैं। अब समझिएगा, मैंने बताया ही तीसरी चीज क्या, ये भी याद कर लीजिए, मान लीजिए पूछा जाए राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति मनोनीत हुए, जबकि भारत में राष्ट्रपति का मनोनयन नहीं होता, क्यों, क्योंकि भारत एक कैसा देश है, गणतंत्रात्मक देश है, जहां
भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित तो होता है। चलिए भाई, तो ये तो हुआ 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, खूब पूछा जाता है। कौन सी देसी रियासत जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई? हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत है जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। कौन कौन सदस्य है जो कभी भी संविधान सभा में गए ही नहीं? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी संविधान सभा में गए ही नहीं। क्लियर हुआ? ऐसे ढेर सारे सवाल होंगे, कितना अधिवेशन, कितने बैठक के बाद। अब सवाल ये बनता है कि कितनी महिला थी, तो 15 महिला थी, एससी 26, एसटी 33, ये सदस्यों की संख्या है भारतीय संविधान सभा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाने वाला सवाल है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप शब्द है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भैया मैं फिर से याद दिला दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, जिसे आप ड्राफ्टिंग कमिटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे। ऐसे प्रारूप समिति का मैंने बताया है गठन 29 अगस्त 1947 को, रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को, सदस्य 7 सदस्य, सदस्य 7 सदस्य। कार्य क्या कर रही थी? सारी समितियों के केंद्र में बैठी समिति है और संविधान के लिखने का कार्य कर रही है। इसके पहले एक समिति प्रारूप गठित हो चुकी है जो बीएन राव ने गठित की है। जब कभी सवाल पूछा जाए प्रथम प्रारूप समिति किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा बीएन राव ने तैयार किया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो गणतंत्र बना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को पूरा करने के बाद भारत का संविधान पूर्ण रूप से तय हो हुआ, तो इस तिथि को अपनाया गया। और करता क्या है? संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। चूंकि इस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया, अर्थात अपनाया गया, इसलिए इसे संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते, या विधि दिवस के रूप में मनाते, याद रहेगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अभी अभी मैंने इसी क्वेश्चन में आपको बताया है कि भैया भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तारीख को, चूंकि इस तारीख को क्या किया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को निर्मित करके अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया, अर्थात अपनाया गया, इसलिए मनाया जाता है। क्वेश्चन 18, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अर्थात एक तरफ समिति है और एक तरफ अध्यक्ष है, एक तरफ समिति है, एक तरफ अध्यक्ष है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने पहले ही बताया झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति। ठीक, जवाहरलाल नेहरू किस समिति को लेकर चले हैं? राज्य समिति। फिर संघ संविधान समिति, रियासत। आ जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता ही दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करिए,
सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक, रियासत समिति, इस प्रकार के सारे समितियां किसके अंडर में थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया है समिति और अध्यक्ष, क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, समिति और अध्यक्ष क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। एक पूरा अगर आप क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन तक, संविधान सभा क्रम से चला है। पहली बार बनने के लिए किस अधिनियम को लाया गया, जब बन गया तब क्या कंडीशन बनी, पहली बैठक कब बनी, क्या क्या कैसे बना, कौन संवैधानिक सलाहकार बना, कौन अध्यक्ष बना, कौन क्या हुआ, कब पूर्ण रूप से तैयार किया गया, अपनाया गया, प्रारूप समिति क्या थी, फिर ये सब क्रम से पढ़ाए हैं इसलिए क्रम से याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति क्या कर रही थी? भारतीय संविधान का प्रारूपण कर रही थी, पांडुलेखन कर रही थी, इसलिए इन्हें संविधान का जनक आधुनिक भारत का मन संविधान का शिल्पीकार ये नाम दिया गया, संविधान का शिल्पीकार ये नाम दिया गया। इतना बताने के बाद राय बहादुर राय दादा जो शब्द था, राज बिहारी राय राज दादा जिन्होंने अपने हाथ से लेखन किया था, उन्हें मत भूलिएगा। ये पूछा गया सवाल है इसलिए मत भूलिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है एक कारण है, एक कथन है एक कारण है, और दोनों का देखिए व्याख्या करता है कि नहीं, क्या सत्य है ये देखना है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। संविधान किस लिए बना है? संविधान बना हमारे अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की, हमारे धार्मिक अधिकारों की, हमारे संप्रदाय की, इन सब चर्चा करने के लिए बना है। तो चलो भैया, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, सही है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 के अलावा 60 अन्य देशों का प्रभाव दिखता है, इसलिए इसे ग्रहित संविधान कहा जा सकता है, सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। चलिए व्याख्या कराए, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है इसलिए भारत का संविधान देश के, नहीं नहीं स्पष्टीकरण नहीं, ठीक है ध्यान से समझिएगा। अब चलिए, नहीं होगा, ये सही है, स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या नहीं है, तो ये आंसर क्या हुआ? बी हुआ, स्पष्टीकरण नहीं है, बाकी दोनों कथन सही है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? क्योंकि पूरे संविधान सभा में जीत के बाद कब, जब 292, 93, 4 यानी टोटल 389 सदस्य होना था, ये गायब। 296 सदस्य का निर्वाचन हुआ, 208 अकेले कांग्रेस लीड की थी, 15 जो अन्य दल थे इन्होंने इनको समर्थन किया था, मुस्लिम लीग 73 पे चली गई थी। तो हुआ क्या था, पूरे संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य बैठे थे, तो इसी पर जी ऑस्टिन ने एक वक्तव्य कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, क्योंकि पूरे भारत में आला मंत्री अधिकारी कौन थे, कांग्रेस के सदस्य थे। सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक, एक तरफ संविधान सभा की समिति है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया ताकि आप समिति अध्यक्ष याद करें, संविधान सभा याद करें, बैठक याद करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वो याद करें। चलिए भाई पढ़ा जाए, संघ शक्ति समिति सी का सेकंड, सबसे पहले मुझे ये याद आया है, आप देखिए दोनों में है। चलिए प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डी का फर्स्ट दोनों में है। मूल अधिकार समिति संचालन समिति, तो चलिए इसको देख लिया जाए, मूल अधिकार को लेकर चले जाइए इनके पास, कार्य संचालन चले जाइए कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी के पास। अगर केवल संचालन होता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते, तो इसका मतलब ए का चार बी का थर्ड, ठीक, तो ये होगा क्या सही,
होगा, सॉरी होगा क्या सही? एक सही होगा, क्या सही होगा? एक सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? बिल्कुल क्यों, क्योंकि कांग्रेस का उदय हुआ है 1885। एओ ह्यूम ने जब बंबई में इसका गठन किया था तो इन्होंने बताया था कि कांग्रेस का मतलब होता है समूह। अब आप ये मत समझना कि ये कोई दल है या टीम है। तो आप कांग्रेस को लेकर चल रहे थे, तो जब कांग्रेस क्या कर दी गई, कांग्रेस ने स्वतंत्र कर दिया, सारी चीजें कर दी, तो महात्मा गांधी कहते कि मेरे अनुसार क्या करिए, इसे एक दल के रूप में भंग कर दीजिए। सही कह रहे। भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी प्रावधान जहां से ली गई है वह है। इसका मतलब अब क्या आ गया, सोर्सेज आ गए। क्या आ गया, सोर्सेज आ गए। चलिए, शक्ति विभाजन संबंधी प्रक्रिया कहां से ली गई, तो ये याद रखना का भारत में सारी संघात्मक व्यवस्था जो है विभाजन की, वो कनाडा से है, अमेरिका से नहीं, क्योंकि अमेरिका में राज्यों को ज्यादा वर्चस्व महत्व दिया गया, अवशिष्ट विषय राज्यों के पास होते हैं। भारत ने कहा ना भैया, हमारे यहाँ राज्यों को मैं इतना अस्तित्व नहीं दे पाऊंगा, मैं दूंगा किसे, मैं दूंगा केंद्र को। इसलिए कहां से लिया, कनाडा से। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपने क्या क्या लिया है, प्रस्तावना का विचार। क्या लिया है, प्रस्तावना का विचार। फिर क्या लिया है, फिर आपने लिया है मूल अधिकार। संविधान की सर्वोच्चता, और क्या लिया है, फिर आपने लिया है संविधान की सर्वोच्चता लिया है, और आपने लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर आपने क्या लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जनहित याचिका। ये सब कुछ आपने कहां से लिया है, यहां से उपराष्ट्रपति का पद लिया है। क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद, सही है। फिर आपने क्या लिया है, वित्तीय आपातकाल। इतना तो आप लिए हैं अमेरिका से। कनाडा से आपने लिया है संघीय शासन प्रणाली, लिया है राज्यपाल का मनोनयन। क्या लिया है, राज्यपाल का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से लिया है प्रस्तावना की भाषा। फिर क्या लिया है, समवर्ती सूची, और क्या लिया है, संयुक्त अधिवेशन। क्या लिया है, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। ये इतना लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 पूरा भारत में प्रभाव रखता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। कहां से लिया गया, अनुच्छेद 25 का, कनाडा से लिया गया, अभी पढ़ा चुके थे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया, ये किसके बारे में बताता है, ये राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में बताता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो किसके बारे में बताता है, राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में बताता है। इसमें वास्तव में कहां दिया गया है, भाग चार में, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में दिया गया है। कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। फ्रांस से आपने क्या लिया, फ्रांस से आपने स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में है, समानता जो प्रस्तावना में है, बंधुत्व जिसका जिक्र प्रस्तावना में है, गणतंत्र जिसका जिक्र प्रस्तावना में है,
ठीक है, कनाडा मैंने बता ही दिया संघात्मक शासन, जापान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। ये कहां था? जापान में। चलो, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस देश संविधान से लिया गया? कनाडा से। बाकी तो तीनों मैंने बता दिया है कहां से क्या लिया गया। इंडिया अर्थात तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा, ना कि फेडरल। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। क्या क्या लिया गया? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, फिर क्या लिया आपने? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये आपने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने के निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया? भैया कनाडा है। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास नहीं होती। कहां राज्य के पास है? अमेरिका में। कनाडा में कहां होती है? केंद्र में। और भारत ने वहीं से लिया, इसीलिए आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान केंद्रोन्मुखी है। कैसी है? केंद्रोन्मुखी है। भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बाकी कहां से क्या लिया गया मैंने बता दिया है आपको, मैंने बता दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात, सूची का जिक्र कहां था? तो आपको याद दिला दे, भारत शासन अधिनियम 1919 में दो प्रकार की सूचियां थी। वहां पे उस समय संघ नहीं था, केंद्र का नाम था, तो केंद्र सूची थी और प्रांतीय सूचियां थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में तीन सूचियां आई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन भारत ने समवर्ती सूची भारत शासन अधिनियम 1935 का नहीं लिया, बल्कि कहां का लिया? ऑस्ट्रेलिया का लिया। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अब बताइएगा मुझे। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए भाई, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, ए का थर्ड। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, बी का फोर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सी का फर्स्ट। अमेरिका संघात्मक स्वरूप, कनाडा, डी का सेकेंड। तीन चार एक दो कहीं दिख रहा है? डी में। क्लियर हुआ? तो फिर से याद दिला दूं कि ये आपके लिए टोटल 32 क्वेश्चन में मैंने क्या क्या पढ़ाया। संविधान, संविधान सभा, समिति, उसके अध्यक्ष, स्रोत, इन सब के बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया। आगे फिर क्या करेंगे? इसके बाद के चैप्टर को लेकर चलेंगे, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर चलेंगे जो आपसे पूछी जाएगी। तो फिर से याद दिला दूं, 26 नवंबर 1949 को मैंने ये भी बताया है, जब संविधान को अपनाया गया था, तैयार किया गया था, लागू किया गया था, उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। वर्तमान में 470 लगभग, 12 अनुसूचियां, 25 भाग है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। जब पूछा जाए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां, तो 395 और 8 की ओर जाएगा। मूल का मतलब जो पहली बार बना, ठीक है। तो चलिए भाई, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं इस त्योहार के साथ, इस उज्ज्वलित प्रज्वल खुशियों के साथ। आपकी खुशियों में ये क्वेश्चन भी चार चांद लगाए, आप अपने लक्ष्य की दिवाली को पाए, यही मेरी आपके लिए ढेर सारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।